आई एम डॉक्टर सिप्पी गुप्ता और आज मैं आप सबके लिए एचए टोनर का रिव्यू करने वाली हूँ। ये एचए टोनर है गुडाल रेन से गुडाल एप्पल एचए क्लियरिंग टोनर। ये एक केबीटी ब्रांड है और अगर इस ब्रांड की बात करें तो आप इसके ऑफिशियल साइट पर अगर विजिट करोगे तो वहाँ इनका स्लोगन भी है दैट गुडाल गुड फॉर ऑल एंड ऑल दिस। सो बेसिकली इस प्रोडक्ट की खास बात ये है कि जब आप इनके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पे ध्यान दोगे या इनकी साइट पर विजिट करके इनके बारे में जब समझने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे इन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोकली एक्सट्रैक्टेड फ्रूट वेस्ट से ही फॉर्मुलेटेड होते हैं। सो बेसिकली इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत प्योर और बहुत अच्छे हैं। इसमें एचए की परसेंटेज भी बहुत कम है, ओनली 1%। और इस टोनर की अगर स्पेशली बात करें तो ये टोनर फुल ऑफ गुड इंग्रेडिएंट लिस्ट, प्रिजर्वेटिव सेफ, फ्रेग्रेंस फ्री, आर्टिफिशियल कलर फ्री। तो दिस टोनर इज बेसिकली अ वेरी गुड टोनर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स पे डिटेल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इसके बेस इंग्रेडिएंट्स की बात करें जो एचए है। तो इसमें जो एचए यूज किया गया है या ये जिस एचए से फॉर्मुलेटेड है वो है एप्पल एक्सट्रैक्ट, और एप्पल एक्सट्रैक्ट से इस एचए को प्रिपेयर किया गया है। एंड सबसे पहली बात ये है कि ये एप्पल एक्सट्रैक्ट एक स्पेशल काइंड ऑफ एप्पल स्पेसिस से निकाला गया है। ये एप्पल आपको सिर्फ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालयन रीजन में ही होते हैं। ये पाइलस मोलस एप्पल फ्रूट के नाम से जाना जाता है और ये एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो इसमें डाला गया है ये बहुत ही अच्छा सोर्स है पॉलीफेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट का। ये एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है फॉर योर स्किन। ये आपके स्किन को स्मूथ बनाता है, टेक्सचर फ्री बनाता है, एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। सो बेसिकली इसमें जिस एप्पल एक्सट्रैक्ट का फॉर एचए यूज किया गया है वो बहुत ही बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। और अगर इसके अदर इंग्रेडिएंट्स की भी बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जैसे कि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स का यूज़ किया गया है जो आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, टेक्सचर फ्री बनाता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाता है। अगर इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जैसे कि कोरिया वर्गैलिस, ये इंग्रेडिएंट आपकी फर्मनेस पे काम करेगा, आपकी टोनिंग को इंक्रीज करेगा, आपके स्किन टेक्सचर को इन्हांस करेगा। एंड स्पेशली ये इंग्रेडिएंट वुंड हीलिंग का काम करता है। सपोज आपकी स्किन पे कोई पस वाले नोडुलर एक्ने आ गए हो या किसी तरह से कोई इरिटेशन हो गया हो या कहीं कट हो गया हो जिसकी वजह से आपको इरिटेशन डेवलप हो गया हो तो ये कोलरा वर्गैलिस इंग्रेडिएंट आपके उस एक्शन को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा, उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से रिजॉल्व करेगा। और इसमें सैलिक्स अल्वा विलोवर इस इंग्रेडिएंट का भी यूज़ किया गया है। अगर इस इंग्रेडिएंट को डिटेल करें तो ये इंग्रेडिएंट आपके एक्ने, एजिंग, टोनिंग, स्पेशली आपके ओपन पोर्स पे काम करता है। तो आपको अगर ओपन पोर्स की दिक्कत हो गई हो, आपको अगर डीप डाउन एक्ने की प्रॉब्लम हो गई हो तो ये टोनर बेसिकली उन चीज़ों पे भी काम करेगा। इस प्रोडक्ट में सिलेक्शन ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इस प्रोडक्ट में अवेलेबल इमोलियंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। वैसे इन डिटेल में आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट सारे साइड में ज़रूर मेंशन कर दूंगी। और आइए इसकी क्लेम्स को देखते हैं। तो इस प्रोडक्ट की क्लेम्स की बात करें तो ये क्लेम करता है कि ये आपकी एक्ने पे काम करेगा, स्किन टोनिंग पे काम करेगा, स्किन फर्मनेस पे काम करेगा, स्मूथ टेक्सचर पे काम करेगा, काइंड ऑफ एंटी एजिंग भी है और ये बेसिकली आपके
ओपन पोर्स, एक्ने स्कार्स पर भी काम करेगा। और अगर इसके यूज़ की बात करें तो आप इसे ऐसे डेली बेस टोन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा इसकी साइट पर भी मेंशन है। और इसकी फॉर्मूलेशन भी इतनी सिंपल है कि आप ऐसा कर सकते हैं, बट स्टिल जैसा कि मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि अगर आप कोई भी एसिड बेस टोनर अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं फॉर अ फर्स्ट टाइम, तो आप उसको स्लोली स्लोली ही अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। बट इसकी फॉर्मूलेशन इतनी अच्छी है कि आपको कोई भी इरिटेशन, कोई भी प्रॉब्लम्स इससे अराइज तो नहीं होंगे, बट स्टिल अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर वाटरी है, रनी टेक्सचर का है, बट वेरी माइल्ड थिकनेस। और ये बहुत ही खूबसूरत बॉटल में पैक्ड है और ये आपको एप्लीकेशन में भी बहुत इजी है। और इसको अगर अप्लाई करने की बात करें तो आप इसको डेली बहुत ही सिंपल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप फेस वॉश कीजिए और इसे कॉटन के थ्रू, और चाहिए तो आप हाथों में लेके डैब डैब करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी ऑब्जॉर्प्शन स्किन में बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे से स्मूथली ऑब्जर्व होता है आपकी स्किन में और बहुत फ्रिक्वेंट ऑब्जर्व होता है। और इस प्रोडक्ट की खास बात ये है कि ये आपको कोई भी पीलिंग, कोई भी इरिटेशन नहीं देता है। इसमें फॉर्मुलेटेड इंग्रेडिएंट्स बहुत सॉफ्ट और बहुत माइल्ड हैं। आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे एज ए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में। सो बेसिकली ये एज ए फर्स्ट एसिड टोनर भी आप ये चाहे तो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टोनर है आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए और अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करने के लिए भी। सो बेसिकली अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो ये 300 ml है, और 300 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको 900 to 1000 के रेंज में मिल जाएगा। बट अगर आप मैगनॉन से लेते हैं तो ये आपको लिटरली 500 to 600 में अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि अच्छे डिस्काउंट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं ऑन मैगनॉन इसके लिए। तो आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। और अगर आप चाहें तो आप पर्सनली भी जाके मैगनॉन साइट से इसे बाय कर सकते हैं। सो बेसिकली ये आपको इजी अवेलेबल है सारी साइट्स पे, और डिस्काउंट के लिए आप मैक्रॉन देख सकते हो। सो ये टोनर रिव्यू था मेरा आज आप सबके लिए, और आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आप इसे ख़रीदना चाह रहे हो या इसके बारे में जानना चाह रहे होंगे तो आपकी क्वेरीज भी रिजॉल्व हुई होंगी। सो फिलहाल के लिए बाय बाय, आई एम हेयर टू डिस्कस सम सिंपल साइंस ऑफ स्किन केयर। Keep loving, keep supporting and do subscribe.